राधे राधे। भक्तों, जैसे भगवान की लीला का रहस्य समझना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, जब तक प्रभु न समझाए तब तक नहीं कोई समझ सकता, ऐसे ही सिद्ध महापुरुषों का भी जीवन अद्भुत रहस्यों से भरा होता है। मैं आप लोगों को बड़े बाबा अर्थात राधा रमण चरण दास जी के विषय में सुना रहा था। मैंने कल बतलाया था आपको कि उनके जो कुछ भक्त लोग थे, उन लोगों ने अचानक देखा तो बाबा अदृश्य हो गए थे। एक सेकंड में कहां चले गए कुछ मालूम नहीं हुआ, सब बड़े दुखी हो गए। फिर किसी व्यक्ति ने आकर बताया कि वो मिल जाएंगे कुछ दिन बाद, ऐसा बोल के गए। इसके बाद बड़े बाबा कहां कहां गए और प्रकृति तत्व की उपलब्धि के लिए उन्होंने क्या क्या साधनाएं की, उसका कुछ पता नहीं। उनके एक हस्तलिखित खाते से इतना पता चलता है कि वे निसंग भ्रमण करते करते विभिन्न प्रकार के योगियों और साधु संन्यासियों के साथ भ्रमण करते रहे, और साधनाएं करते रहे, और काफी दिन के बाद फिर वो सरयू तट पर गए गुरुदेव के पास, और गुरुजी का ध्यान करने लगे। गुरुजी का ध्यान सरयू तट पर अयोध्या जी में ध्यान करने लगे। फिर गुरुदेव ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और उपदेश भी दिया, अपनी अलौकिक शक्ति का उनमें संचार भी किया। गुरुदेव की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त करके उन्होंने उनकी सेवा में रहने की इच्छा प्रकट की, पर गुरुदेव ने कहा कि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो स्वयं प्रेम धर्म का आचरण कर शिक्षा दो। तुम यदि ऐसा करोगे तो मुझसे दूर रहते हुए सदा मेरे निकट ही रहोगे, जब भी मेरा स्मरण करोगे मुझे देख सकोगे। गुरुदेव के मुख से यह आश्वासन वाली वाणी सुन करके बहुत प्रसन्न हुए बड़े बाबा, और उनसे विदा लेकर के फिर नवद्वीप की ओर ही चल दिए। और महाराज, नवद्वीप में तो आनंद ही आनंद, क्योंकि बहुत दिन के बाद सबको बाबा फिर से मिले। नवद्वीप वासी जैसे फूले नहीं समा रहे थे, इतने खुश। और उनके लिए तो अब भी वो रायचरण बाबू थे, वैद्य नाम इनका बड़े बाबा हो गया था, लेकिन प्रसिद्ध वहां के लोग रायचरण नाम से ही जानते थे। तो उन्होंने अभी तक वैष्णव संन्यास का वेश नहीं लिया था, दीक्षा तो महाराज जी से सरयू तट पर हो गई थी। तो वो चाहते थे कि वेश भी ले लें, वैराग्य वाली दीक्षा ले लें। तो नवद्वीप के गौर हरिदास बाबा महाराज से उन्होंने संन्यास वाली वेश वाली दीक्षा ले ली, और तब गुरुदेव ने इनका नाम रखा राधा रमण चरण दास। एक दिन बड़े बाबा जो शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए महाप्रभु के मंदिर से लौट रहे थे। अब देखो भक्तों, मैं अब आपको एक ऐसी लीला सुनाने जा रहा हूं, सिद्ध महापुरुष की लीला है, ये अनुकरणीय नहीं है। इन लोगों की दैवी शक्ति होती, इन सिद्ध पुरुषों की, उन दैवी शक्तियों की नकल साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, ये समझ में आता है कि चराचर में कहां कहां वो शक्ति किस रूप में रहती है, जल्दी हर आदमी पता नहीं कर सकता है, लेकिन सिद्धों को पता चल जाता है। अब मैं बता रहा था कि महाप्रभु के मंदिर से लौट रहे थे बाबा शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए, तो उनके साथ एक कुतिया चलने लगी। अब कुत्ता तो अपवित्र जीव होता है, तमोगुणी होता है, इसलिए भजन करने वाले को अपने साथ उसे नहीं रखना चाहिए।
खाना उसको देना हो दूर से देकर उससे अलग रहना चाहिए, उसको छूना उससे आसक्ति करना ये सब ठीक नहीं होता है। लेकिन साधकों की बात है, साधक और सिद्ध में अंतर होता है भक्तों। तो कुतिया उनके साथ है खोली और सब लोग जगह जगह रुककर कीर्तन करते जा रहे थे और जब सब लोग बढ़ जाते आगे तो कुतिया उनके स्थान की रज में लौटती पोटती। तो आप ये समझ लीजिए इसका मतलब हुआ कि साधारण कुतिया वो नहीं थी, जहां भक्त लोग कीर्तन करते थे उस जमीन की रज में वो लौटती थी महाराज। और कुतिया ने अपने जीवन के अंत तक इन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। अब कोई संस्कार था उसका पिछले जन्म का और सब लोग उसे फिर भक्ति माँ कहकर पुकारते हैं। ये कीर्तन प्रेमी भी साधारण लोग तो थे नहीं है, बड़े बाबा के साथ ही थे सब। इन लोगों ने पहचाना कि जहां भी कीर्तन होता है वहां रज में खूब लौटती है कुतिया, तो उसका आदर करने लगे लोग, भक्ति माँ कहते थे उस कुतिया को। ऐसा नहीं था कि उससे आसक्ति थी या उसको अपने गोद में लिटाए या बिस्तर पर लिटाए, ये बात नहीं थी। भाव हृदय का था, शरीर से मतलब नहीं था। उसे अन्य वैष्णवों की भांति पत्तल पर महाप्रसाद देते, चावल देते, जैसे और वैष्णवों को ऐसे उसको भी पत्तल पर देते। और महाराज एक विचित्र बात थी उसको किया कि यदि कोई भगवान को भोग लगाए बिना कोई खाद्य पदार्थ उसको दिया जाता तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी वो, ऐसा दिव्य लक्षण था उसका। कुछ दिनों बाद भक्ति माँ अस्वस्थ हुई, भक्ति माँ उसी कुतिया का नाम संतों ने रखा था, और उसका अंत समय निकट जान करके, महाराज सब सिद्ध साधु लोग थे, उसका अंत समय समझ गए लोग, तो मृदंग करताल के साथ उसके चारों ओर घूम घूम करके कीर्तन करना शुरू किया। और कीर्तन सुनते सुनते ही उसने शरीर छोड़ा। देखो उसका भाग्य कितना था, मनुष्यों को भी ये दुर्लभ है ये प्राप्त होना, और कुत्ता के शरीर में उसको ये प्राप्ति हुई। उसका महाराज शरीर कितना भाग्यशाली था कि कुत्ता के जन्म में, कुतिया के जन्म में भी उसको इन सिद्ध पुरुषों के श्रीमुख से भगवान का नाम गा गा करके इन लोगों ने जो सुनाया उसको सुनते हुए उसने शरीर छोड़ा था। उसमें बड़े बाबा जैसे सिद्ध पुरुष भी थे जो कीर्तन उसको सुनाए थे, और फिर इन महापुरुषों ने उसके शरीर को परम पवित्र मान करके, क्योंकि वो साधारण कुतिया तो थी नहीं, भक्ति माँ तो नाम रख दिया था, और कि भगवान का नाम कीर्तन सुनते सुनते इतने बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा कीर्तन गाते और परिक्रमा करते करते नाम सुनते सुनते शरीर छोड़ा था। फिर बाबा जी महाराज अर्थात बड़े बाबा के मन में ये बात आई कि भक्ति माँ के महोत्सव में कुछ वैष्णव सेवा की जाए। महाराज अब विचित्र लीला में आपको सुनाने जा रहा हूं, बहुत सावधानी से और श्रद्धा भाव से आप सुनिए। तो 14वें दिन बड़े अखाड़े के वैष्णवों को निमंत्रण भेजा गया और दोपहर के समय बड़े बाबा जी महाराज के मन में एक अद्भुत विचार आया। शिष्यों से बोले, देखो भक्ति माँ के स्वजातीय वैष्णवों को आमंत्रित न करना अच्छा नहीं लगता। बहुत सावधानी से समझिए इस बात को, बड़े बाबा ने कितनी मार्मिक बात कही थी। संतों को तो उन्होंने अखाड़े के वैष्णवों को निमंत्रण भेज दिया गया और उसके बाद बड़े बाबा के मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने कहा, देखो भक्ति माँ के स्वजातीय वैष्णवों को आमंत्रित न करना अच्छा नहीं लगता है,
तुम में से कोई नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले में घूम करके उन्हें निमंत्रण दे आओ। ये सुनकर सब अवाक रह गए महाराज, पर दृढ़ विश्वासी और गुरु वाक्य में दृढ़ निष्ठा रखने वाले नवद्वीप दास निमंत्रण देने को तैयार हुए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं जाऊंगा, और बड़े बाबा ने उनकी पीठ पर बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया और अपनी शक्ति का संचार किया महाराज। और नवद्वीप दादा एक मतवाले हाथी की तरह से झूमते झामते निकले। वे जैसे ही किसी कुत्ते को आते देखते हैं उसे दंडवत प्रणाम करते। अब आप देखिए असाधारण लोगों की कथा है भक्तों, ये हर आदमी कर भी नहीं पाएगा इसको। किसी कुत्ते को देखते तो भाव विभोर होकर दंडवत प्रणाम करते, और महाराज दंडवत प्रणाम करते ही उनकी आंखों से आंसू की धार बहना शुरू होती और कहते, नवद्वीप दास बोलते रोते रोते बोलते, कल हमारी भक्ति माँ का महोत्सव है, आप कृपा पूर्वक हमारे परम गुरुदेव के आश्रम में आकर महाप्रसाद ग्रहण करें। कुत्ते से इस प्रकार बोलते थे महाराज जी नवद्वीप दास, और फिर कहते थे उसके बाद, अन्य स्वजातीय जनों को भी हमारी ओर से निमंत्रण देकर हमें कृतार्थ करें। इस तरह से कितना उच्च कोटि का भाव था निमंत्रण देने का, और बड़े अखाड़े के वैष्णवों का पता जब चला कि महोत्सव में कुत्तों को भी आमंत्रित दिया गया है, वैष्णवों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने आने से मना कर दिया। साधुओं को जब पता चला अखाड़े के वैष्णवों को कि कुत्तों को निमंत्रण दिया गया है, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। और वयोवृद्ध श्री राधेश्याम बाबा ने क्रोधित होकर के आकर के बड़े बाबा से कहा, ये कुत्तों के महोत्सव की तूने क्या सोची, जिस काम को कभी किसी ने नहीं किया और जिसके करने से दूसरों की दृष्टि में हास्यास्पद बनने के सिवा और कुछ नहीं मिलता, उसे करने से क्या लाभ। महाराज बाबा जी महाराज के नए साथी भी सोचने लगे, जो बड़े बाबा के पास नए लोग आ गए थे वो भी सोचने लगे ऐसा ही कि बाबा की ये न जाने कैसी लीला है, क्या कुत्तों का महोत्सव में आना कभी संभव है। पर जो उनकी शक्ति से परिचित थे महाराज, वे कहने लगे, बाबा जी महाराज के मन में जब ऐसी बात उठी है तब निश्चय ही समझना चाहिए कि श्वान वैष्णव उत्सव में पधारेंगे। ये बाबा की एक अद्भुत लीला थी भक्तों। और ये लीला प्रभु की कृपा से, इस सिद्ध महापुरुष की कृपा से हुई है, बहुत अद्भुत लीला हुई भक्तों। बहुत सावधान हो के सुनिए कैसी प्रभु की और उनके भक्तों की लीला होती है। दिन ढलने को था, एक एक करके कुत्ते आने लगे भक्तों, और उन्हें देखते ही बाबा जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया। किसने, बड़े बाबा ने, और बड़ाल बाड़ी के आगे उनके बैठने की व्यवस्था कर दी। और कुत्तों के दल आ रहे हैं, सब एक एक करके बैठते जा रहे हैं, लाइन से बैठ रहे थे महाराज, किसी के मुख से शब्द नहीं हो रहा था, अर्थात कोई भी एक भी कुत्ता या कुतिया भौंकते नहीं थे, गुर्राते नहीं थे, किसी की ओर क्रोध से काटने की ओर के लिए देखते नहीं, सब शांत। कोई भी कुत्ता न पूंछ फटकता था, न झाड़ता था, न चिल्लाता था, न पैरों से खरोचता था, न गुरगुराता था, न भौंकता था, न काटता था, सब शांत। रास्ते के दोनों ओर दर्शक खड़े होकर वो अद्भुत दृश्य देख रहे थे।
महाराज बड़े बाबा ने पत्तलें डलवाई। एक बड़े पात्र में दाल साग चावल दही खीर आज सब मिला करके परोसने की आज्ञा दी और ऐसा दिव्य प्रसाद परोसा गया। पर आश्चर्य, किसी कुत्ते ने मुख से स्पर्श नहीं किया। जब सब पत्तलों पर परिवेशन हो गया परोसने का कार्य, तो बाबा जी महाराज ने साश्रु नयन और गदगद कंठ से हाथ जोड़कर कहा, अब कृपा कर आरंभ करिए। महाराज ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा जो मैं सुना रहा हूं आपको। उसी समय काले रंग का एक कुत्ता उस जगह पर आ गया और एक एक कर सभी पत्तलों का भगवान का भोजन प्रसाद जो था, काले रंग का कुत्ता मुंह लटका लटका के सूंघ गया, छुआ नहीं, जीभ से या मुंह से छुआ नहीं, केवल पत्तलों का प्रसाद वो सूंघ गया। वो एक कुत्ता काले रंग का सभी पत्तलों का प्रसाद केवल सूंघता गया बस वो। और उसके बाद फिर वो जाकर के पंक्ति में जब बैठा तब सबने पाना प्रारंभ कर दिया। तब सभी ये स्वान वैष्णवों ने महाराज प्रसाद पाना शुरू किया। महाराज उस समय दर्शकों की हरि ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। परोसने वाले लोग एक एक कुत्ते से महाप्रसाद की पूछ रहे थे कि और दें, आपको और दें। और महाराज कुत्ते अपने सिर से इशारा कर देते थे कि और चाहिए या नहीं चाहिए। और एक बात ये भी आप समझिए कि ये कोई सिखाए हुए कुत्ते नहीं थे, ये कोई पाले हुए या सिखाए हुए कुत्ते नहीं थे, ये तो उसी दिन केवल आए थे। इसके पहले न तो वहां कभी रहते थे और न किसी ने देखा था, उसी दिन आए थे सब। कहां से आए थे नहीं मालूम। और सब भोजन जब कर चुके तो वे लोग दूसरी ओर घूम करके बैठ गए और उनकी पत्तल पर प्रसादित कोई रखने आता तो वो सिर घुमा करके अपनी अनिच्छा प्रकट कर देते थे। महाराज मानव बुद्धि के परे इस अति आश्चर्यजनक घटना को देख करके उपस्थित दर्शक वृंद की जो अवस्था हुई उसे कौन कहे। राधेश्याम बाबा रोते रोते बाबा जी महाराज को आलिंगन करके कहने लगे, भाई निताई चांद पर तुझे इतना विश्वास है ये मैं नहीं जानता था, तेरी शक्ति को धन्य है, आशीर्वाद देता हूं कि तेरा सुयश दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। महाराज पंगत पूरी होने पर बाबा जी ने एक व्यक्ति से अधरामृत इकट्ठा करने को कहा, अर्थात जो प्रसाद बचा था कि उसको इकट्ठा करो। इधर नवद्वीप दादा एक पात्र में जल भर करके सबका चरणामृत लेने लगे। यदि आपकी श्रद्धा कमजोर होगी तो इस बात को आप पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इस सिद्ध पुरुष के दर्शन के लिए कुत्ता के रूप में कौन कौन आए थे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक अनहोनी एक दैवी घटना थी भक्तों। ये नवद्वीप दादा जो संत थे सबका चरणामृत लेने लगे और श्वान वेशधारी वैष्णवगण महाराज ऐसे शांति से बैठे रहे जैसे सब मूर्ति हो। और उपस्थित दर्शक मंडली में से प्रत्येक ने बहुत आग्रह के साथ उस अधरामृत और चरणामृत को ग्रहण किया। अब आप सोचिए कैसे श्रद्धावान भक्त लोग इकट्ठे हुए थे कि उनके अधरामृत और चरणामृत को उपस्थित दर्शक मंडली में से प्रत्येक ने बड़े आग्रह के साथ ग्रहण किया भाव से, और बचा हुआ अधरामृत एकत्रित करके भक्ति मां को अर्पित किया गया।
अब भक्ति माता का शरीर तो था नहीं, भक्ति माता मतलब वो जो कुतिया मर गई थी उसकी बात हो रही भक्तों, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बोल दिया जो कुतिया मर गई थी, आदर सूचक शब्द नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैंने बोला ऐसा। वो जो भक्ति माता अर्थात महान भक्त कुतिया थी, जो कीर्तन इन सिद्धों के द्वारा परिक्रमा उसकी कर करके कीर्तन सुनाया गया था तब शरीर छोड़ा था, उसकी बात की जा रही है। तो बचा हुआ अधरामृत एकत्रित करके भक्ति माता के लिए अर्पित किया गया और भक्ति माँ का अवशिष्ट प्रसाद महाराज सब ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। कर्मकांडी तो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, असाधारण घटना है, साधारण व्यक्ति तो इसकी निंदा भी कर सकता है। बिना उच्च कोट के भक्ति के भाव के आप इसको समझ पाए कि प्रभु की कृपा ही है। डेढ़ प्रहर रात बीत गई, बड़े बाबा साथियों सहित गंगा स्नान करके लौटे। उसी समय चैतन्य दास बाबा ने एक दूसरे कमरे में से पुकार कर कहा, गुरुदेव ठाकुर भोग का एक परोसा बच रहा है, इसे किसी ने देखा ही नहीं, इतनी रात हो गई, अब कोई भूखा भी नहीं है, अब एक प्रसाद एक परोसा पत्तल का बचा हुआ है, इस महाप्रसाद का क्या होगा। महाराज उसी समय एक लाल रंग का कुत्ता आया और नवद्वीप दादा ने उसे देखकर कहा, आश्चर्य, सबसे पहले यही मुझे मिले थे। उस जब भंडारा के लिए वो निमंत्रण देने गए थे नवद्वीप दादा, सबसे पहले यही मिले थे अर्थात ये जो लाल रंग का कुत्ता। वो बोले नवद्वीप दादा उनको देख करके कि आश्चर्य, सबसे पहले यही मुझे मिले थे, मैंने इन्हें निमंत्रण दिया था और अन्य स्वजातीय वैष्णवों को भी हमारी ओर से निमंत्रण देने को कहा गया था। बाबा महाराज बोले, तब तो ठीक ही हुआ, जब निमंत्रण का भार इन्हें दिया गया था तो अब वो भंडारा प्रभु की कृपा से इतना सुंदर हुआ है तो ये साध्यानुसार सभी को खोजते हुए आए हैं और सभी लोगों को यहाँ लेना इनके लेकर आना इनकी जिम्मेदारी थी, इसी से इनको विलंब हुआ। तो हमें भ्रम होते हुए भी महाराज अंतर्यामी निताई चांद ने पहले से इनके लिए व्यवस्था कर रखी थी और धन्य है उनकी करुणा नित्यानंद जी भगवान की कि इनके लिए ये पत्तल छिपा करके बचा के रखा था, नहीं तो हम लोग इनको क्या खिलाते। कुछ भक्तों के आग्रह पर आज बड़े बाबा महाराज बारंबार हर्षित होते, भगवान का नाम बोल करके गर्जना करते और बहुत अद्भुत प्रसन्नता व्यक्त करते। तो ये स्वान वैष्णव के भंडारा की बात मैंने सुनाया, आगे फिर इन सिद्ध पुरुष की लीला आपको सुनाऊंगा। इन सभी स्वान वैष्णवों को बड़े बाबा और उनके सब शिष्यों और साथियों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।